हेलो हाय, आई एम रोहित चौधरी। आई एम अ फिल्म मेकर फ्रॉम नासिक। तामस ये फिल्म मैंने 2019 में शूट की थी, और इसके पहले मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म, इंटरव्यूज़, वेब सीरीज़ और कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स किए। इसके तामस के बाद मेरी दो फ्यूचर फिल्म हुई, एक का नाम था किसी से ना कहना और दूसरी का था सीवन कोड। तामस ये फिल्म करते वक्त एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये फिल्म स्टार्ट करने से पहले जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत से ड्राफ्ट बने। ड्राफ्ट होने के बाद जो हमारे सर थे महेश मुंडाले और राजेश बालापुरे सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ये ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट होने के बाद जो स्टोरी है वो बढ़िया सी बाहर निकल आई, और फिर हमने आगे का काम शुरू किया। जो लोकेशन थे तो वो लोकेशन हमने फिक्स की, खाली एक लोकेशन छोड़ के जो कि गुफा का था। और शूट स्टार्ट हुआ, शूट स्टार्ट करने से पहले जो कैमरा का जो इक्विपमेंट थे, कैमरा था, वो सब रेंट पे लिया। खाली 7 दिन का समय था, और 7 दिन का रेंट हमने दिया, और टारगेट था कि 7 दिन में ख़त्म करें। और फाइनेंशियली भी हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि जो पैसा है वो मैंने खुद ही डाला था और कुछ घर से लिया था। शूट स्टार्ट हुआ, और शूट स्टार्ट होने के बाद जो क्राउड के सीन थे वो बाद में लिए, जो कम क्राउड के थे, जो जिसमें कम कैरेक्टर थे वो पहले लिए। और शूट स्टार्ट जब हुआ तब उस बीच में गांव करी जो विलेजर्स थे वो बीच बीच में आते थे खाना देने के लिए, तो उनकी वजह से बहुत सारी मदद हो गई हमको और बहुत हेल्प करते थे हमको। जो इस फिल्म में जो कैरेक्टर थे तुषार, नादेश पांडे, नीलेश जोशी, कुमार कपाड़े और शोएब सैयद जी, इन्होंने बहुत साथ दिया। उनको लैंग्वेज के बारे में कुछ पता नहीं था उस गाँव का। ये फिल्म जो थी, इसका लोकेशन था महाराष्ट्र में नासिक के आगे उस्तरे करके गाँव है। इस गांव में ना आने जाने का साधन था, ना उस गांव में कुछ मिलता था। उसके वजह से बहुत सारी तकलीफें आने लगी, और वो जो इस गांव के आगे 15-20 किलोमीटर दूर तालुका था, तो वहाँ पे अगर सामान लेना हो तो वहाँ पे हम जाते थे, जो कि डीजल हो, पेट्रोल हो, या कुछ मेकअप का सामान हो, और कुछ अलग कॉस्ट्यूम, अगर हमको दूसरा कुछ चाहिए तो हमको वहाँ पे जाना पड़ता था। बाकी का सामान तो हमने पहले ले लिया था। शूट प्री प्रोडक्शन हो गया था, और खाली एक लोकेशन बाकी था, वो मिल नहीं रहा था। एक लोकेशन था एक गांव, गांव में ही, गांव के बाहर ही एक गुफा थी, पर वहाँ पे लोग बोलते थे कि वहाँ पे शेर आता है रात को। वो जो लोकेशन है वो रिस्की था, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। वहाँ पे कोई नहीं जाता था, क्योंकि गांव जो विलेजेस थे वो भी डरते थे, कैंसिल कर दिया। एंड ये शूट स्टार्ट हुआ, आधा जो कम कैरेक्टर के थे वो उनका शूट सब हो गया, और खाली जो कैरेक्टर की भाषा थी, वो लैंग्वेज थी, वो उन विलेजर्स से मिलती जुलती होनी चाहिए। उस पे जो कैरेक्टर थे उन्होंने काम किया उस पर, और स्क्रिप्ट पहले दी गई, और उनको कैरेक्टर कैसा होगा वो सब बताया गया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सरसाइज हुई उनकी, और फिर जो गाँवकरी थे, गाँवकरी के बीच में भी मुझे कैरेक्टर चाहिए था, तो उनको भी एक्सरसाइज दी गई, वो उन्होंने भी अच्छे तरीके से कैरेक्टर प्रेजेंट किया। और जो टेक्निकल टीम थी वो भी अच्छी थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिया हमको, और जो लोकेशन थे
सो लोकेशन तो फिक्स हो गए थे, खाली जो गुफा का सीन था वो रह गया था। सो वो करने के लिए मैंने एक लोकेशन देखने के लिए गुजरात के बॉर्डर पे गया था। सो वहाँ पे मैं, मेरा दोस्त और कुछ का विलेजर थे, मेरे अंकल भी थे। सो गुजरात के बॉर्डर पर हम 10 बजे निकल गए। शूट तो चल रहा था, पूरा दिन शूट किया, रात को 10 बजे निकले और 1-2 घंटे में हम वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि गुजरात बॉर्डर नज़दीक थी। और जो गांव था, गांव के यहाँ पे जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर वो जो गुफा थी वो देखी। वहाँ पे भगवान महादेव जी का वहाँ पे मूर्ति थी, तो वो वहाँ पे मैंने देखा। और कुछ दरवाजे थे वो उधर, तो वो देखने के बाद मुझे डर लगने लगा। तो मैंने सोचा कि यार मुझे डर लग रहा है तो ऑडियंस को तो लगेगा ही। सो मैंने वो लोकेशन फिक्स कर दिया, वहाँ से निकले 11-1 बजे 1-2 बजे हम घर पे निकल आ गए। सो आने के बाद सब दूसरे दिन रेडी, कैरेक्टर वगैरह सब 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 रेडी हो गए, गा विलेजर्स रेडी हो गए। और मैं गया जीप बुक करने के लिए, जीप मतलब वो गाड़ी बड़ी बड़ी सी थी। सो वो ड्राइवर को बोल दिया कि इतने इतने बजे जाना है, तो वो भी रेडी हो गया। और सब शाम को जो विलेजर्स थे वो आ गए। वो आने के बाद उसमें लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे। सब सामान वगैरह, प्रोडक्शन वालों, सब सब जो था हमारी टीम थी, उन सब बंदों ने सब सामान वगैरह पैक कर लिया था। मैं उनकी तरफ देख रहा था और कुछ अजीब अजीब से ख्याल आने लगे मन में। मैंने सोचा कि यार जाऊँ या नहीं जाऊँ, घबराहट सी एक होने लगी मन में। और फिर जो शोएब जी थे, वो कैरेक्टर थे हमारे फिल्म में, तो वो आए और बोले कि यार कुछ कुछ प्रॉब्लम है क्या रोहित? सो मैंने बोला कि प्रॉब्लम तो नहीं यार, पर दिल में ऐसे घबराहट से होने लगी है। बोला क्या हुआ? बोला वो जो हम गए थे उस दिन लोकेशन देखने के लिए, तो लोकेशन देखने के बाद वो मुझे अच्छा लगा, पर जब रास्ते से आ रहे थे, रास्ते से आने के बाद कुछ हादसे हुए थे, जो कि ऐसा जो घाट था, घाट के ऊपर से खाली ट्रक थे, सब ट्रक थे, टू व्हीलर आप वहाँ पे कुछ नहीं थे, तो हम खाली टू व्हीलर पे थे। ट्रक अटक गई घाट पे जाते जाते। सो वो नीचे आ रही थी, तो मैंने क्या किया, उधर से झटक से टर्न ले लिया, और वहाँ पे थी खाई, तो हम खाई में जाने वाले थे, तो वहाँ पे हम रुक गए। जाते जाते और गाड़ी बंद पड़ गई, आगे का कुछ दिख नहीं रहा था, ख़राब रास्ता था, खाली धूल उड़ रही थी, रास्ता का काम चालू था, टू व्हीलर तो एक भी नहीं थी। और इन सब में सब इन लोगों को लेके जाना मतलब बहुत रिस्क का काम है, तो ये रिस्क मुझे नहीं लेना है अभी। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो बोला कि नहीं जाना चाहिए, तो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया और अगला दूसरा शूट स्टार्ट कर दिया। मैंने अंकल को बोला कि अपने को एक दूसरा सेट लगाना है, मैंने सेट ड्रॉ कर दिया। और सेट ड्रॉ करने के बाद जो कि पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा घर है, उसके बाहर मैंने जो शादी का मंडप रहता है उसके पिलर जो रहते हैं, जो गांव में के गांव में होते हैं, तो वो पिलर मैंने बाहर लगा दिए। और उस पे जो मशाल है, वो मशाल उस पे लगा दिए, और वहाँ पे शूट स्टार्ट हुआ। तो वो रात का सीन था, तो पहला जो क्राउड का सीन था वो पूरा शूट कर लिया, और जो जो वहाँ पे था वो शूट मैंने स्टार्ट किया। तो वो शूट करते समय बैटरीज का प्रॉब्लम होता था, क्योंकि रात को सुबह भी लाइट नहीं रहती थी, दो बैटरीज एक्स्ट्रा भी थी बैटरी पर, लाइट ना होने की वजह से दिक्कत ये आ गई, तो हमको कभी कभी रुकना पड़ता था। फिर उसके बीच में जो कैरेक्टर है उन पे भी काम चलता था, जो नए बंदे हैं गाँव को, तो वो भी कैरेक्टर कर रहे थे, तो उनके ऊपर भी काम हो रहा था। इनके बीच में टाइम तो कट रहा था, पर
जल्दी से काम नहीं हो रहा था, ये दिक्कतें होती थी क्योंकि हमारे पास जनरेटर वगैरह कुछ नहीं था ऐसा, जो कि हमारे पास ज़्यादा फाइनेंशियर से या पैसा वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए हम जो है उसमें ही किया, ज़्यादा लाइट वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया इसमें। जो है अवेलेबल उसमें ये फिल्म की गई है, विलेजर्स से उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, पर उन विलेजर्स को ये बात पता नहीं कि ये शूट क्या चल रहा है, किस टॉपिक पे चल रहा है, और मैंने उनको बताया नहीं कभी। क्योंकि जो विलेजर्स है जहाँ पे रहते हैं उस गांव में ही, वो जो टॉपिक के अंधश्रद्धा का, वो अंधश्रद्धा का टॉपिक उस गांव में भी होता है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। पर अभी ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो पे जो फिल्म बनाई है, अभी मैं उनको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि ये संदेश पहुंचना बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान को, कि जो अंधश्रद्धा है वो अभी भी गांवों में शहरों में पाई जाती है, जो कि हम उस अंधश्रद्धा में डूब गए, तो ये नहीं होना चाहिए अभी। तो ये एक सामाजिक संदेश है जो हर गांव में ये फिल्म मैं दिखाना चाहूँगा, हर एक ऑडियंस को ये बात पता चलनी चाहिए। एक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव में ये फिल्म दिखाई जाए और शहरों में भी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा 10th दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल को, जो कि आपने मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए चांस दिया, और आपको ऑल द बेस्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए। थैंक यू।